क्या बोला यहाँ पे?
Yeah.
इस साइड कैसे? बाजू के साइड पर कैसा है? ऐसा है डॉटेड लाइन से इस साइड पर कैसा? चलो यहां पे देखो मैं बताती हूं। सी पहला आपने जो बताया वो वेरी गुड। एक तो पहले तो यहां से वो पैरेलल देन वो एफ से पास होगी राइट एफ से वेरी गुड ऐसे ठीक है। दूसरा यहां से वो यहां स्ट्राइक करेगी ठीक है एंड सी से पास होगी ठीक है। ये दूसरा मतलब बाउंस बैक यहां से ऐसे और यहां से बाउंस। तीसरा क्या आएगा पता है? यहां से वो सीधा पोल के ऊपर भी स्ट्राइक कर सकता है तो पोल से तो क्या होता है होता है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होता है। वो हमारा रूल नंबर 4 था यस और नो? ओके उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है। तो यहां पे तो इमेज इज बहुत मतलब पीछे आएगी भी नहीं होगी नहीं पता क्योंकि देखो ये लाइट को देखो वहां जा रही है ठीक है। तो इस केस में सिर्फ ये अकेला ऐसा केस है उसमें हमको थोड़ा याद रखना
ऐसे पूछते हैं वो लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव।
और सी है तो बिटवीन सी एंड एफ मिलता था, बिटवीन सी एंड एफ है तो कहां मिलेगा पी और सी, राइट। और उसकी साइज कैसी है, एन लार्ज, ठीक है। और उसका रेजर कैसा होगा, रियर एंड इनर। ये पूरा आप याद रख लेना, ठीक है। टेबल इसमें से ऑब्जेक्टिव दो तीन तो आते ही है। ओके, नेक्स्ट एंड एफ, एट एफ, ओके। तो एफ पे हो तो हमें इमेज कैसे मिलती है, इंफिनिटी। और साइज कैसी होती है, हाईली एनलार्ज। और उसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इनवर्टेड। फिर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, राइट। एंड उसके साइज कैसी होती है, एनलार्ज, ये वाला ही है, ठीक है। ये जो मैंने बताया बिहाइंड get what we illustrated, okay, illustrated